ये देखें, ये ऐसे मैं रिमूव योर ना इस पर क्लिक करूँगा, देन अगेन योर रिमूव योर उस पर क्लिक करूँगा, तो ये इधर से डिवाइस योर रिमूव हो जाएगी, इधर कोई भी योर डिवाइस शो नहीं होगी। और ये ऐसे मैं अनऑथोराइज योर डिवाइसेस है इस पर क्लिक करूँगा, अगेन इधर से मोस्ट रिसेंट योर डिवाइस मीन के जिससे लॉग इन किया होता है वो होती है, तो ऑथोराइज योर इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, अगेन योर अनऑथोराइज योर इस पर मैंने क्लिक करनी है, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा डिवाइस जो वो ऑथोराइज होगी या इधर से रिमूव हो जाएगी, और जो ऑथोराइज डिवाइसेस जो है ना इसमें चला जाएगी। तो ये देख लें, इधर शो हो गया, पहले रिमूव की देन जो है ना अगेन ऑथोराइज, तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। तो यूजेस और बेनिफिट क्या है इसके वो भी बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी डिवाइस को ऑथोराइज जो है वो कैसे करना है, और इसके बेनिफिट और यूजेस क्या है। की डिवाइस जो होगा वो ऑथोराइज है तो बेनिफिट क्या होगा, अगर आपकी डिवाइस ऑथोराइज नहीं तो क्या सीन बनेगा, वो सभी जो है ना बताने वाला हूँ। ये ऐसे आप मैनेज डिवाइसेज जो है ना इस पर क्लिक कर दोगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऑथोराइज जो डिवाइसेज होंगी वो इधर शो हो जाएंगी, तो जो भी डिवाइस ऑथोराइज होगी आपके अकाउंट में वो इधर शो हो जाएगी। तो अगर आपकी डिवाइस जो वो ऑथोराइज नहीं है, जैसे ही आप जो अनऑथोराइज जो डिवाइसेज है इस पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इधर आपको डिवाइस मिल जाएगी आपको, तो आपने 2-3 मंथ से ज़्यादा प्ले करना है और टाइम देना गेम को, मैच वगैरह खेलने हैं, तो उतनी जल्दी जो आपकी डिवाइस है वो ट्रस्ट में जाके इजीली आप खुद जो है ना ऑथोराइज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को। सपोज मैं इसको करना चाहता हूँ, ऑथोराइज पे क्लिक करूँगा, ये भी डिवाइस जो ऑथोराइज हो जाएगी, तो इधर ये देख लें 2 डिवाइसेज जो वो ऑथोराइज कर चुका हूँ मैं। तो जैसे मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो रिमूव पे क्लिक करूँगा, ये रिमूव हो जाएगी, तो ऐसे आप ऑथोराइज भी कर सकते हैं और अनऑथोराइज भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट और यूजेस क्या है, फिलहाल इसका कोई बेनिफिट और यूजेस नहीं है, नो बेनिफिट एंड यूजेस, क्योंकि अभी इस पर कम्प्लीटली वर्क नहीं हुआ। जब वो अलो कर देंगे कि जो भी डिवाइस इधर शो होगी, जो भी डिवाइस इधर शो होगी उसकी जो फाइल क्लेम है वो अप्रूव होगी, उसी की जो है ना अगर वो अपील सबमिट करता है इन गेम से या लॉग इन पेज से, आउट गेम से जो है ना हेल्प पे क्लिक करके अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करता है, तो उसी की जो है ना अपील अप्रूव होगी जो डिवाइसेस इधर शो होंगी, वरना जो है ना किसी की भी अप्रूव नहीं होगी, बाकी सभी की रिजेक्ट होगी। अगर ये आ जाता है तो फिर तो जो है ना बेनिफिट होगा, फिर जो है ना मस्ट चाहिए कि हमें अपनी डिवाइस ऑथोराइज करना। अभी जो है ना अभी कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपकी जो डिवाइस है वो ऑथोराइज भी नहीं है, इधर कोई भी डिवाइस हो आप रिमूव कर देते हैं और आप चाहते हैं कि अपना अकाउंट रिकवर करना, या इन गेम से जो है ना थर्ड ईमेल फ़ोन नंबर जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, या फर्स्ट सेकंड कुछ भी रिमूव करना चाह रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस पे आपने क्लिक करना, आपने 1 या 2 मंथ जो है ना प्ले करना, देन आपने फॉर्म फिल करना, आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इन गेम से, या अपना अकाउंट रिकवर भी कर सकते हैं, और जिससे आपने अकाउंट लिया वो भी रिकवर कर सकता है, अगर उसने 1-2 मंथ जो है ना प्ले किया होगा तो वो इजीली कर सकते हैं। तो अभी जो इसका कोई बेनिफिट यूज नहीं, कैसे वो इम्प्लीमेंट इसको कर देंगे इस फीचर को, जिनकी डिवाइसेस ऑथोराइज में शो होंगी उन्हीं की जो फाइल क्लेम है वो अप्रूव होगी, बाकी सभी की रिजेक्ट होगी, तभी इसका बेनिफिट होगा, वरना अभी कोई नहीं। अगर आपकी उधर डिवाइस हो या ना हो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर ना भी हो नो इशू, आपने 1-2 मंथ यू ना प्ले करना, देन आप इजीली फाइल क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नो इशू, आप प्ले करें और जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सही है, यही बताना था, तो वीडियो करते हैं इधर ही एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।